friends, I welcome you all to the online classes of SGUI. So today we will be starting unit 2, that is commercial mathematics, and into that we will be starting with the new chapter, that is compound interest. Okay, so compound interest is also the same kind of thing which we have been learning in the chapter simple interest, but yahan pe kya hota hai, aapka jo principle hota hai wo har baar har year ke liye change hota rehta hai. Theek hai, for example if you are given the time period of 2 years, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर. दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड इनटू द प्रिंसिपल, और सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. So this is the basic difference between the simple interest and the compound interest. Compound interest, simple interest में क्या difference है? Simple interest के case में आप time को एक साथ पूरा put करते थे, लेकिन compound interest के case में क्या करेंगे? Time को one करके put करेंगे और principal हर साल के लिए क्या होगा? Change होता जाए. ठीक है? तो first of all हम लोग सीखेंगे how to solve the questions of compound interest without using the formula. हम लोग without using the formula कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वी विल बी लर्निंग. ठीक है, यू ऑल नो दैट वी हैव अ फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. ठीक है, वी नो दैट द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम अपॉन 100, वेयर पी क्या होता है? मनी बोरोड. ठीक है, पी इज द मनी बोरोड, या जो पैसा आपने किसी से उधार लिया है, या आपने पैसा जो आपने किसी को उधार दिया है. ठीक है, दोनों केसेस में पी क्या होता है? वही होता है, दैट इज मनी बोरोड और मनी गिवन ऑन द लीज, या फिर किसी को जो पैसा दिया हुआ है. रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. सर क्या मतलब होता है? दिस मीन्स दैट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने किसी को 1000 रुपीस एज अ लोन दिया है तो आप उससे 1000 ही वापस तो नहीं लेंगे, बिकॉज़ यू आर डूइंग सच थिंग्स फॉर प्रॉफिट, दैट मींस आप उससे 1000 से ज्यादा वापस लेंगे. तो आप कुछ ना कुछ परसेंट रेट लगा के उसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे? रिसीव करना चाहेंगे. इसीलिए वही क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कि एक साल में आप कितना परसेंट रेट उस सम ऑफ मनी में उस इंसान से क्या करना चाहते हैं? रिसीव करना चाहते हैं. क्या है? टाइम फॉर विच मनी इज लेंट, वो टाइम जिसके लिए पैसा का किया गया, लेंट किया गया, उधार दिया गया है. तो दीज आर द बेसिक टर्म्स. ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है अमाउंट. ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सीआई क्या होता है? सीआई इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल. आपका जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल. इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? फाइनल अमाउंट का मतलब होता है जब पूरा टाइम कंप्लीट हो गया उसके बाद जो अमाउंट बन गया, दैट इज नोन एज फाइनल अमाउंट. और इनिशियल प्रिंसिपल क्या होता है? स्टार्टिंग में जब पैसा उधार दिया गया उस टाइम पे जो भी पैसा एज अ बोरोवर ने दिया या फिर किसी ने उधार लिया स्टार्टिंग में जो पैसा है, that is known as the initial principle. ठीक है, the things will be very much clear to you जब हम लोग इसको questions के through solve करेंगे. ठीक है, so let's start with the questions, और उसके बीच में जो नया concept आएगा वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा. ठीक है, चलिए, question number one, this is a very basic question of compound interest and we'll be solving that. ठीक है, पहले मैं question की outline आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको
step by step explaining करूँगा कि how you'll be approaching the question. Question number one. It is saying that calculate the amount and compound interest on rupees 25,000 for 2 years at 8% per annum compounded annually. तो ये पहली एक्सरसाइज है, वहां पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. वहां पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स गिवन है. रुपीज 25,000 क्या है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 25,000. टाइम जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 years. टाइम इज गिवन दैट इज इक्वल टू 2 years एंड रेट is equal to 8% per annum. Rate is given that is 8% per annum. ठीक है? अगर ये question compound interest का ना होता, सिर्फ simple interest का होता, तो directly हम formula लगाते SI is equal to PRT upon 100 और time को 2 years put करते. लेकिन जब ये question compound interest का होता है, तो हम लोग एक साथ time को put नहीं करते, एक एक साल का अलग अलग calculate करते हैं. Because मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अलग होगा जो गिवन होगा स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस इनिशियल प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. सॉल्व करेंगे तब यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको अमाउंट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट. तो पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं भी लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं. फॉर्मूला क्या होता है, P into R into T upon 100. प्रिंसिपल कितना है आपके पास 25,000, रेट है आपके पास 8% और टाइम 1 year यूज करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दैट मींस टाइम को 1 year यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अपॉन 0, 0, and 0, 0. This will be giving us, we know that 25 8s are kitna hota hai 200 aur 1 ke 0 par aa jayega. That means first year ke baad jo interest milega wo 2000 rupees milega. Theek hai, first year ke baad jo interest milega wo kitna milega 2000 rupees milega. Therefore amount kitna ho jayega after first year, amount after first year that will be equal to principal plus interest, that is equal to 25,000 plus 2,000, that is 27,000. इस 27,000 का मतलब क्या है एक्चुअली? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर टाइम एक साल का होता तो जिस इंसान ने 25,000 रुपए उधार लिए उसको अब 27,000 रुपए वापस देने पड़ते. ठीक है, लेकिन टाइम पे 2 years का है, इसका मतलब है कि अब हमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट आता है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. ठीक है, इतना रब कर देता हूं मैं. अमाउंट कितना है फर्स्ट ईयर के बाद 27,000. अब हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर. ये नोट कर लेना आप पॉज करके, देन मूव फॉरवर्ड. सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर, मैंने आपको बताया कि सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आया है वो होगा. और फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है 27,000. रेट सेम रहेगा 8%. और बात हो रही सेकेंड ईयर की, अभी भी टाइम कितना है, एक साल का ही है, तो टाइम विल बी 1 year. मल्टीप्लाई करेंगे 2160 देना पड़ेगा. तो अमाउंट अब निकालेंगे हम लोग आफ्टर सेकेंड ईयर. अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. किसका, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट. सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था 27,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 216.
60, add करेंगे तो this will give us 29,160, that means 29,160 जो amount आया कितना second year के बाद, और time 2 year का ही था, इसका मतलब हमने पूरा 2 साल तक के लिए calculate कर लिया, और 2 साल के बाद amount कितना आ गया 29,160, और यही आपका क्या final amount है, तो final amount is equal to कितना है rupees 29,160, this is the final amount, ठीक है? Now question में final amount पूछा गया था और साथ ही साथ आपसे पूछा गया था कि compound interest कितना होगा। CI के लिए मैंने आपको पहले बताया formula क्या होता है, final amount minus initial principal, initial principal, ठीक है? Final amount minus initial principal, final amount कितना है 29,160 और initial principal कितना था सबसे starting 25 therefore compound interest कितना होगा आपके पास 4,160 तो compound interest is 4,160 और final amount कितना है 29,160 तो this is the solution of this question number 1 ठीक है now let's move to question number 2 Question number 2 is saying that Rohit borrows rupees 62,500 from Arun for 2 years at 10% per annum simple interest. ठीक है? अब इस question में आपको दोनों चीजें दे दी गई। Simple interest भी आपको अलग करना है और compound interest भी आपको अलग करना है। कैसे? देखते हैं। Question को पहले explain करता हूँ आपको। Question is saying that Rohit ने क्या किया? Arun से 62,500 rupees यहाँ दो case आएंगे। उसने बोला कि अरुण ने पैसा कितना लिया 62,500 लिया उधार ठीक है किससे रोहित ने लिया अरुण से 62,500 कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए ठीक है और रेट कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहेगा उसको रेट इज 10% पर ठीक है दिस इज फॉर जब रोहित ने रिसीव किया है अरुण से जब रोहित ने रिसीव किया है पैसा अरुण से और ये बात किस पे हो रही है सिंपल इंटरेस्ट पर हो रही है ठीक है अब रोहित स्मार्ट थे उसने सोचा कि ये जो पैसा मैंने उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर इसी सेम पैसे को ठीक है उसने कुणाल को दे दिया 10% पर एनम सेम टाइम के लिए बट उसने क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर ठीक है इस केस में अब क्या कर रहा है रोहित किसी को उधार दे रहा है ठीक है किसको दे रहा है कुणाल ठीक है रोहित इज गिविंग द मनी टू कुणाल ठीक है लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहां बात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर और यहां बात होगी सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ऐसा करने पर रोहित कितना प्रॉफिट कमाएगा ये आपको बताना है तो सिंपल सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर भी 10% है टाइम यहां पर 2 इयर्स है और टाइम यहां पर भी 2 इयर्स है लेकिन यहां पर पूरी बात सिंपल इंटरेस्ट पर होगी और यहां पर पूरी बात कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगी सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि नॉर्मल सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा कैसे होगा चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग सीधे पूरे टाइम को पुट करके निकाल सकते हैं मैंने पहले बताया आपको तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इनटू r इनटू t अपॉन 100 प्रिंसिपल कितना 62,500 रेट कितना 10% और टाइम 2 इयर्स अपॉन 100 2 मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूं क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है जहां पे हम डायरेक्टली टाइम को पुट कर सकते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0 एंड 0 दिस विल बी 5 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 इन द 10 0 कैरी 1 2 टू द 4 + 1 5 एंड 6 टू द
और एक जीरो और आ जाएगा, तो दिस विल बी गिविंग अस 12,500, ठीक है, दिस विल बी गिविंग अस 12,500 रुपीस। इसका मतलब है कि अगर रोहित अरुण से पैसे उधार लेगा तो दो साल के बाद उसको 12,500 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जब उसने किसी को उधार दिया तो वहां से उसको मिलेगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल तो सेम ही है आपके पास 62,500, रेट आपके पास सेम ही है 10% पर है और टाइम आपके पास सेम ही है 2 इयर्स, ठीक है। तो अब निकालें पहले एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ बात कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, इसे अलग अलग ईयर का अलग अलग निकालते हैं। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, दिस विल बी पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100, तो दैट इज प्रिंसिपल 62,500 इनटू रेट 10% और टाइम 1 अपॉन 0 0 0 एंड 0, दिस विल बी 6250। पहले साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा मिलेगा वो मिलेगा 6250। अब हमें सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले फर्स्ट ईयर का क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। मैंने पहले बताया था आपको कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बनता है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। अमाउंट विल इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकला 62500 प्लस 6250, ऐड करेंगे 0 आएगा, दिस विल बी 5, this will be 7, this will be 8 and this will be 6, this will become 68,750। यही सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, this will become the principal for the second year। तो अब निकालेंगे SI for second year, that will be equal to P into R into T upon 100। पर रख कर लेता हूँ और सभी नोट कर सकते हैं आप। 68 SI फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना आएगा 68750 इनटू रेट 10% और टाइम 1 ईयर के सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं अपॉन 0 0 0 एंड दिस विल बी 6875, दिस विल बी 6875 रुपीस। आप अमाउंट निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर कितना है 68750 प्लस 6875, ठीक है, ऐड करेंगे दिस विल बी 5, 7 प्लस 5 12 टू कैरी 1, दिस विल बी 8 8 16, 6 कैरी 1, दिस विल बी 8 plus 6, 14 plus 1, 15, 5 carry 1, 6 plus 1, 7. This will be 75,620. ये आपका क्या है फाइनल अमाउंट, ये दो साल कंप्लीट हो चुके हैं तो दिस इज योर फाइनल अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में क्या आता है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल, फाइनल अमाउंट कितना है 75,620 माइनस इनिशियल प्रिंसिपल कितना था आपका, इनिशियल प्रिंसिपल वाज 62,500, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा डिफरेंस आया है 13,120। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको 13,120 और ये दे कितना रहा है दिस 12,500, तो क्लियरली इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है सीआई माइनस एसआई, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीआई माइनस एसआई, that is CI कितना है 13,120 minus SI कितना है 12,500, subtract करेंगे, ठीक है, तो clearly हमें कितना मिलेगा, answer would be 500 620, that means उसको पूरे process में 620 rupees का क्या हुआ है profit हुआ, ठीक है। so आपको ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले फर्स्ट ईयर का, फिर अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ईयर का
अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फाइनल अमाउंट में सबट्रैक्ट करते हैं इनिशियल प्रिंसिपल को, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट देन वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर कंप्लीटली जितना भी टाइम आपको गिवन है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। सो दिस इज ऑल टुडेस क्लास स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग द अदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।